सहनावतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगीन्द्रमथ शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिस योग की हम चर्चा कर रहे हैं वह योग हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, पूरी तरह से शांत हो जाना, इसी का नाम योग है। जब हमारी चित्त वृत्तियां का पूरी तरह से निरोध हो जाता है तब जो दृष्टा है, अभी तक जीव बना था, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह मूल सिद्धांत है योग का, ये मूल सिद्धांत है। अब चूंकि वृत्तियों का निरोध हो जाना ही अपने स्वरूप में स्थिति है, वही मोक्ष है, तो ये वृत्ति है क्या? तो उपदेश दिया कि पांच प्रकार की वृत्ति होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जिसके दो भेद हैं। और पांच प्रकार की जो वृत्ति होती है, प्रमाण के अनुसार, विपर्य के अनुसार, विकल्प के अनुसार, निद्रा और स्मृति के अनुसार, ये वृत्ति के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ। वृत्ति ऐसी होती है, इस प्रकार से वृत्तियों का, विचारों का प्रवाह चलता है। और अगर इसको अब लक्ष्य वही है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध करना है, तो वृत्तियों के स्वरूप को बता दिया, तो अब इसको निरोध करना है तो उपाय क्या है? तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास और वैराग्य ये दो ही उपाय हैं। अभ्यास निरंतर निरंतर अपने उस रूप में ला ला करके लगाते रहो। कितना? बोले दीर्घ काल तक निरंतर, और साथ ही साथ आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सत्कार
तत्कार असेवित हो। ऐसा अगर अभ्यास करते रहोगे तो धीरे धीरे अभ्यास से हमारी वृत्तियां पहले कम होंगी और एक समय पर निरुद्ध हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जन्मों जन्मों के संस्कार से वृत्तियां हमारी बाहर की तरफ जा रही हैं, तो अभ्यास से नियंत्रित होती है। और अगर कहीं आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण हमारी चित्त वृत्ति भटक रही है, तो उसका उपाय है वैराग्य लाओ, वैराग्याभ्याम। वैराग्य कैसे, किस प्रकार से? तो वैराग्य का दो स्वरूप बता दिया, दो स्वरूप बताया वैराग्य का। पहला बताया था अपर वैराग्य, दूसरा बताया था पर वैराग्य, है ना, प्रवर और अवर, श्रेष्ठ उच्च स्तर का और थोड़ा शुरुआती साधना के स्तर का। तो साधन वैराग्य में क्या है, अपर वैराग्य क्या है कि दृष्ट और अनुसर्विक, देखे और सुने हुए समस्त विषयों से अब हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा, उसमें प्रयोजन का अभाव हो जाना, इसी का नाम है वैराग्य। जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा उससे कोई प्रयोजन अब नहीं रहा। हम लोग जब कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अब माल तो हमने देखा नहीं, अंदर से माल हम कभी गए नहीं, जबकि मेरठ में कोई भगत थे, सत्संग था, तो उनके कोई मित्र थे, उन्हीं का माल था। उन्होंने कहा चलिए दिखा लाते हैं PBS माल, स्वामी जी उन्हीं का था। हमने कहा नहीं जी अंदर नहीं, तो हम तो कह सकते हैं देखा नहीं, या शायद एकाध बार देखा हो, कहीं ध्यान नहीं। लेकिन एयरपोर्ट पर चारों तरफ से कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं, और एयरपोर्ट पर जाओ तो वहाँ शराब की भी जो है पूरी लाइन लगी हुई है, शराब बिक रही है, शराब बिक रही है, पूरी मार्केट है एयरपोर्ट पे, शराब बिक रही है, कपड़े बिक रहे हैं, तमाम तरह के चमड़े की चीज़ें बिक रही हैं, लेदर की, बहुत तरीके की और सारी सामग्रियाँ बिक रही हैं। बगले से गुजरते हैं, देखते हुए गुजर रहे हैं, और फिर भी उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा। प्रयोजन का अभाव हो गया, प्रयोजन का अभाव हो गया मतलब उस वस्तु से हमारा हो गया वैराग्य, वो दिख रहा है, ये है अपर वैराग्य। हाँ, अगर जरा सा कोई प्रयोजन की बात मन में आ गई तो आप उस दुकान को ढूंढते हुए घुस जाओगे। हाँ, एक बार हमारे पास एक पेन है, स्याही वाली नहीं, स्याही उसमें भरती जाती, अब उसकी स्याही ख़त्म हो गई तो हम एयरपोर्ट पे पेन की दुकान देखे, विलियम पेन से, तो घुस गए उसमें। उसने हमारी पेन देखा, उसने कहा थी तो अभी नहीं है स्वामी जी, आ जाएगी बाद में। तो हमने कहा कौन सा रोज़ एयरपोर्ट आएंगे तो अब वो फिर जो है लखनऊ में ख़रीद के ढूंढ के ले आए। तो अब कहीं पर कोई प्रयोजन है तो आप उसकी दुकान के अंदर चले गए, और कोई प्रयोजन नहीं है तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, कोई काम है, उस बैंक में आप चले जाओगे, अंदर चले गए, कोई काम है किया, लेकिन उसी लाइन में चार और बैंक हैं, उनसे आपका क्या प्रयोजन है? देख रहे हो, दृष्ट देख रहे हो कि ये बैंक है, अनुश्रविक सुना हुआ है कि इस बैंक में अमुक अमुक काम होता है, दोनों बातें हैं, लेकिन फिर भी उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, ये है अपर वैराग्य। ठीक है, और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा साधना करते करते, अपने आत्मस्वरूप को कोई जान लेगा, तो उस समय जो प्रज्ञा होगी तो अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान से अब संसार की तरफ से पूरी तरह से मन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार पूरा भासित हो गया, कल्पित हो गया, वो सब प्रधान प्रकृति के अंतर्गत की चीज हो गई, आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तब वह वैराग्य होगा पर वैराग्य। तो अपर और पर, ये दो प्रकार का वैराग्य होगा। तो ये अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्ति का होता है निरोध। ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ तक श्रवण किया था। अब मन में एक विचार आया कि ये बात तो ठीक है, जब हमारी अभ्यास और वैराग्य में उसमें लगन लगी, हम साधना करने लगे,
चिंतन मनन करने लगे और उस साधना से चित्त वृत्ति हमारी निरुद्ध हो गई, बिल्कुल निरुद्ध हो गई। जब चित्त वृत्ति निरुद्ध हो गई तो इसका मतलब हम पहुंच गए, फिर तो हम पहुंच गए। तो जो कई बार हमने सुना है कि समाधि होती है, हाँ, तो इसका मतलब हमारी समाधि लग गई। हाँ, अगर हमारी चित्त वृत्ति का निरोध हो गया अभ्यास और वैराग्य से, ऐसा चिंतन करते करते, और चित्त वृत्ति निरुद्ध हो गई तो मेरी तो फिर समाधि लग गई, फिर तो मैं पहुंच ही गया, फिर तो अब कोई साधना नहीं करनी होगी ना, अब तो पहुंच गए क्योंकि वृत्ति का हो गया निरोध, अब तो हम पहुंच गए, अब तो साधना पूर्ण हो गई। तो अगला प्रसंग कहते, सावधान रहना, क्योंकि ये जो समाधि है, ये जो वृत्तियों का रुक जाना है, इसके भी दो भेद हैं। एक का नाम है संप्रज्ञात समाधि और एक का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। दूसरी जगह पर नाम इसी का है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि और निर्वीज समाधि। तो योग दर्शन में नाम देंगे संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात, प्रज्ञा है, सम सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से, भीतर प्रज्ञा है, सो नहीं गए हैं, संप्रज्ञात प्रज्ञा है, और उसके साथ में आपका वृत्तियों का निरोध हो गया तो उसका नाम हम कहेंगे संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात। और जहां वो प्रज्ञा भी शांत हो गई, वो प्रज्ञा भी शांत हो गई, वहां पर असंप्रज्ञात समाधि। कैसे समझना, थोड़ा सा विचार करना। हमारा व्यवहारिक जगत में एक त्रिपुटी होती है, उस त्रिपुटी के अंदर हमारा व्यवहार होता रहता है। एक वस्तु है वो ज्ञेय है, मैं बन गया ज्ञाता, और हम दोनों के बीच में जो एक संबंध बना उसको हम कहते हैं ज्ञान। हो गई त्रिपुटी ना, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान। आपके लिए मेरा ये शरीर ज्ञेय हो रहा है, हमारे लिए आपका शरीर ज्ञेय है, वो ज्ञेय है, मैं जानने वाला हूँ, आप भीतर ज्ञाता हो, और जो आँख आदि से देख करके जान रहे हो, इसका नाम हो गया मैं स्वामी जी को जान रहा हूँ। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अब इसी को शास्त्रीय भाषा में और ले आओ तो हम कहेंगे प्रमेय। जिस वस्तु में वह वृत्ति व्याप्ति हो रही है उसको हम कहते हैं प्रमेय। फिर जो जानने वाला है वह प्रमाता, और जिस वस्तु के जान लिए जान रहा है, जिस वस्तु के माध्यम से, उसका नाम होगा प्रमाण। तो त्रिपुटी हो गई ना, प्रमेय प्रमाण और प्रमाता का व्यवहार, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का व्यवहार, दृश्य दृश्य दर्शक और दर्शन का व्यवहार। ये सारी जो त्रिपुटी चल रही है हमारे व्यवहारिक जगत में, ये त्रिपुटी ठीक ठाक रहती है और त्रिपुटी के रहते मन शांत हो जावे तो इसका नाम हो जाएगा संप्रज्ञा। सम्यक रूपेण प्रज्ञा बनी हुई है, सम्यक रूपेण बोध बना हुआ है। हम सूत्र पढ़ते हैं, अगला सूत्र, अगला सूत्र संप्रज्ञा समाधि का है। थोड़ा सा इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा, हम लोग संक्षेप में समझना है। वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, अनुगमात संप्रज्ञातः, अनुगमात इनके साथ जुड़े रहने पर, इनके पीछे जाने पर, इनके पीछे अवस्था आने पर, अनुगमात इनके पीछे अवस्था आने पर संप्रज्ञा समाधि होती है। किसके पीछे, वितर्क। अब इसको अगर लगाओ तो सीधा शब्द हम बोल रहे हैं वितर्कानुगत समाधि, या यहाँ पर वितर्कानुगमात संप्रज्ञातः समाधि, विचारा अनुगमात संप्रज्ञातः समाधि, आनंदा अनुगमात संप्रज्ञातः समाधि, और अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः समाधि। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो वितर्क
वितर्क अनुगमात संप्रज्ञा समाधि, ये पहली स्थिति है। थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म भेद है, आप लोग पहले तो समझो। समाधि, समाधि माने कहते हैं धीमाने बुद्धि, धीमाने बुद्धि। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत सरल करके समझते थे, अब तो अंग्रेजी में बोलते थे लेकिन हम लोगों को सरल अंग्रेजी बच्चों वाली जैसी समझ में आ जाती थी। समाधि का गुरुदेव ने सीधा परिभाषा किया, धीमाने बुद्धि, सम माने बिल्कुल बराबर हो जाना, तराजू के जो है बिल्कुल पलड़ा बराबर हो गया। जिसकी धी बुद्धि बिल्कुल सम हो गई उसी का नाम हो गया समाधि। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, है ना, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सब जगह पर इस बात कहें। हाँ, बिल्कुल आपकी बुद्धि न हानि में, न लाभ में, न विजय में, न पराजय में, न संयोग में, न वियोग में, बुद्धि सम हो जाए, समाधि, बुद्धि सम हो गई तो इसका नाम हो गया समाधि। ये संतों के अनुभव के वचन हैं। हाँ, ये गुरुदेव कहते थे ये धी बुद्धि सम हो जाए, समाधि। बहुत अच्छी लगी ये, बिल्कुल भाव, मन बिल्कुल, विचारों का बिल्कुल शांत हो गया। कैसे? तो पहला उपाय है, उपाय क्या हुआ? वितर्क। वितर्क माने इस जगत में कई बार, यहाँ वितर्क का अर्थ होगा कई बार आप कोई दृश्य देखे, दृश्य देखे और दृश्य को देख करके वहाँ पर त्रिपुटी बनी है, वहाँ पर वो दृश्य ज्ञेय हो रहा है, आप ज्ञाता बन रहे हो, भीतर ज्ञान की बात भी है, जान रहा हूँ, और उस दृश्य को देखते देखते आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया। अनेक बार घटना होगा, खास करके मंदिर में, भगवान के मंदिर में गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जगन्नाथ स्वामी गए, या अपने घर में पूजा घर के सामने बैठे, या अचानक आपके सामने जो है, अचानक आपके घर पर घंटी बजे और आपके गुरुदेव आ गए, जहाँ पर श्रद्धा का अतिरेक है, क्या होगा उस समय पर? वो दिख रहे हैं, आपकी त्रिपुटी बनी हुई है, बिल्कुल त्रिपुटी बनी है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी बनी है, और फिर भी आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया। कुछ लोग कह सकते हो अस्तब्धि भाव, अस्तब्ध हो गए। उस क्षण को कहा गया वितर्कानुगत समाधि, वितर्क के साथ, वितर्क माने त्रिपुटी के साथ, वहाँ पर ग्रहण हो रहा है विषयों का ग्रहण हो रहा है, विषय हैं, विषयी हूँ, दोनों के बीच में विषयाकार बुद्धि भी हो रही है, लेकिन फिर भी बुद्धि हमारी हो गई शांत। हाँ, ये बहुत बार होता है, बहुत बार आपके जीवन में होगा। इसको कहते हैं वितर्का अनुगमात संप्रज्ञात समाधि, वितर्क के साथ, यानी त्रिपुटी ठीक ठाक बनी है, हम देख रहे हैं। बहुत बार अब इसको समझ सकते हो सत्संग में, आपको कहीं कभी का सत्संग में बैठे हो, अब बिल्कुल सत्संग में मन लग गया, रोज एक जैसा नहीं लगता, कभी कभी लगता है, रोज एक जैसा नहीं होगा, कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता, कभी मन उच्चाटित हो जाता है, कभी बात समझ में नहीं आती, कभी एक एक बात दिल में बैठने लगती, तो वहाँ शब्द का व्यवहार हो रहा है, प्रवचन भी हो रहा है, आपके कानों से सुनाई भी पड़ रहा है, आप सुनने वाले भी हो, श्रोता हो, वक्ता है, सब हैं, और उसके साथ भी आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया। इस पर बहुत विचार किया गया कि जब कभी अविद्या का नाश होगा तब श्रवण करते करते होना चाहिए, श्रवण करते करते ही स्वरूप का बोध होना चाहिए। श्रवण में त्रिपुटी रहेगी लेकिन श्रवण करते करते होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वह तत्व अपरोक्ष है, प्राप्त है, अपना आपा है। अगर वस्तु परोक्ष होती, वस्तु कहीं बाहर होती, प्रमेय वस्तु कहीं हमसे बाहर होती है, तो श्रवण के उपरांत कुछ और करना पड़ेगा हमको, कोई क्रिया, चाहे मनन हो, चाहे निधिध्यासन हो, चाहे कर्म हो, उपासना हो, अगर वस्तु कहीं अन्यत्र परोक्ष है तो। लेकिन जो तत्व यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो अपना अपरोक्ष, अपना आपा है, तो श्रवण करते करते ही होना चाहिए। जैसे परीक्षित को हुआ, जैसे अर्जुन को हुआ नष्टो मोह, श्रवण करते करते मनन किया कि नहीं, ओ कह लो श्रवण में ही मनन हो गया, जो कहना चाहो, श्रवण करते करते। हाँ, नचकेता को श्रवण
करते करते, श्रवण करते करते। और इस पर खूब हमारे यहाँ दोनों मत अलग अलग हैं, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान, दोनों की अपनी, जो हमारे भामतीकार हैं वो कहते हैं तीनों चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों चाहिए। विवरणकार जो है वो कहते हैं नहीं, श्रवण ही पर्याप्त है, और अगर अभी तत्व का बोध नहीं हुआ तो आपने श्रवण ही ठीक ठीक नहीं, श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ, वहाँ प्रमेय प्रमाणगत संशय रहा होगा, प्रमेयगत संशय रहा होगा, कोई श्रद्धा की कमी रही होगी आचार्य के प्रति, श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ इसीलिए आपको बोध नहीं हुआ। तो आप श्रवण करते करते मन शांत हो गया, क्या हो गया, त्रिपुटी बनी है, त्रिपुटी बनी है और मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो वितर्क अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। अब सभी विषयों में आप ले लेना है, विषय है उसको जानने वाला भी हूँ, त्रिपुटी के साथ में मन शांत हो गया तो ये हमारा वितर्क के साथ, वितर्कानु, यहाँ वितर्क माने कुतर्क नहीं, हाँ विशेष रूप से त्रिपुटी के साथ, हाँ इसका यही अर्थ होगा। दूसरा है विचार अनुगमत संप्रज्ञात। अब दूसरा ले, हाँ कोई भी त्रिपुटी हो, अभी बताया ज्ञाता गे ज्ञान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, हाँ दृश्य दर्शक और दर्शन, एक कोई भी त्रिपुटी है। हाँ हमने इसलिए दो दृष्टांत दिया ना, एक भगवान के मंदिर में बैठे तो भगवान का रूप दिखाई पड़ रहा है, भगवान का रूप दिखाई पड़ रहा है, मैं देखने वाला हूँ और देख रहा हूँ आँख से और पूरी तरह से मन शांत हो गया, ये चक्षु से देख लिया। हमने कान के लिए बताया सत्संग का, ठीक है ना, श्रवण कर रहे हो तो शब्द सुनाई पड़ रहा है, शब्द विषय हो रहा है ना, विषय विषय है ना, सुनाई पड़ रहा है, मैं सुनने वाला हूँ तो त्रिपुटी बन रही है, त्रिपुटी बन रही, और फिर भी बैठे बैठे श्रवण करते करते मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो ये हो गया। हमने ऐसे आप पांचों विषय को लगा सकते हो, पांचों विषय को आप चिंतन करके ले आओ। हमने दो नेत्र और कान के लिए ले लिया ना, नेत्र के लिए हमने दृष्टांत लिया भगवान का या हमारे गुरुदेव आ गए, और कान के लिए दृष्टांत लिया सत्संग का, ठीक है। तो उस समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो वहाँ त्रिपुटी है, बाह्य जगत की त्रिपुटी है और मन शांत हो गया। वितर्क अनुगमात संपर्क पहला, दूसरा है विचार अनुगमात संप्रज्ञात। विचार अनुगमात अब बाहर की त्रिपुटी नहीं है, इसमें बाहर का नहीं है, केवल भीतर की त्रिपुटी है, भीतर का है। जैसे अब आप आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, पूजा कर लिया, मंत्र का जाप कर लिया, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में कोई आपको एक श्लोक याद आ गया गीता जी का, कोई एक मंत्र याद आ गया उपनिषद का, कौन सा मंत्र याद आया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्ट ताम आहुः परमाम्। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न। आँख बंद है और आपको कोई ऋचा याद आ गई ऋचा, तो आपको एक मंत्र याद आया ना, स्मृति में आया, आप उसको याद करने वाले हो, तो अब भीतर की त्रिपुटी है, भीतर की त्रिपुटी है, लेकिन अब उस मंत्र की याद करते ही मन शांत हो गया। अब बाहर की त्रिपुटी नहीं है, लेकिन त्रिपुटी है कहाँ, अब भीतर। आप बैठे हुए हो, जैसे दृष्टांत में ले आओ ध्रुव का दृष्टांत ले आओ, रामचरितमानस में सुतीश्वर का दृष्टांत ले आओ, ये दोनों वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और उनको अपने भीतर ही भगवान का दर्शन होने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं भीतर भगवान का दर्शन हुआ, है ना, भीतर ही अब भगवान का दर्शन हो रहा है, तो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं कहाँ, बाहर नहीं भीतर, और देखने वाला मैं हूँ बिल्कुल, तो वहाँ तीनों त्रिपुटी बन रही ना, भगवान दृश्य हो रहे हैं अंदर, हाँ मैं दर्शक हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ अंदर, अब बाहर भगवान भी आ जाए तो उनको देखना अच्छा नहीं लगता, आँख खोलना अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव ने आँख नहीं खोली, सुतीक्ष्ण ने जल्दी आँख नहीं खोली, अब त्रिपुटी है लेकिन केवल आपके अंतर जगत में है, भीतर है, और आपका मन शांत हो गया। विचार अनुगमात संप्रज्ञास, आप अगर इसको और तरीके से समझना चाहो तो कह सकते हो ये ब्रह्माकार वृत्ति की बात है, अखंडाकार वृत्ति की बात, वहाँ वृत्ति है, अखंडाकार वृत्ति है, मैं
सत स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, अरे मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अभी विचार तो चल रहा है ना अंदर, विचार करते करते मन शांत हो गया तो विचार अनुगमात संप्रज्ञास, सिद्धांत समझना चाहिए, बाकी और बाद में चिंतन मनन करना, दो हो गया ना, बाह्य त्रिपुटी के साथ वितर्क अनुगम समाधि, अंतः त्रिपुटी है अंतर जगत में, किसी एक विचार को आधार बना करके और मन शांत हो गया विचारानुगमात समाधि। और जिस समय ये त्रिपुटी थोड़ी शांत हो गई, अब त्रिपुटी शांत हो गई, होश नहीं है पूरी तरह से, उस समय भीतर बहुत अच्छा लगा, अरे आज तो इतना जैसे कि आनंद ही आनंद हो गया, कोई ध्यान से उठाए बहुत गुस्सा लगता है, क्या हुआ भीतर, क्या हो रहा है, मतलब कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ देखने का मन नहीं कर रहा, सोचने तक का मन नहीं, बिल्कुल मन बिल्कुल शांत, भीतर एक उल्लास, एक आनंद, एक सुख, हाँ अंदर अंदर आंख बंद करके बैठे। और दृष्टांत क्या दिया कि रोए कैसे हो गए, जैसे कटहल के कांटे, पनस फल जैसे, पनस फल, पनस माने कटहल, हाँ कटहल का जो ऊपर का होता है, हाँ बहुत कठोर सा होता है, ऐसे रोए खड़े हो गए आनंद में, हाँ बिल्कुल आनंद में भीतर ही। अब कौन सी स्थिति में है, आनंद अनुगमात संप्रज्ञा समाधि, उठने का मन नहीं करता, और हो सकता है कोई अगर आवाज़ दे तो अच्छा नहीं लगता, और इस अवस्था में आपका जो है घंटों एक क्षण जैसा बीत जाता है, हाँ घंटों आप बैठे हैं, अगर इस अवस्था में पहुंच गए तो समय बिल्कुल जो है पता नहीं लगता, आनंद अनुगमात, वहाँ आनंद है, सुख का अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये सब साधना के मार्ग पर जब साधना करोगे, ध्यान वगैरह में बैठोगे तो ये सब अनुभव होता, जब ध्यान करने बैठोगे तब, हाँ कई बार जो है 10 लोग 25 लोग ध्यान करने बैठे हों तो 25 लोगों में किसी का अंदर इतना आनंद हुआ, शरीर का भाव चला गया, देहाशक्ति गई, शरीर का ध्यान ही नहीं, इतना आनंद हुआ इतना कि अब उनके आसन में थोड़ा सा कुछ ऐसा था तो ऐसे लुढ़क जाएंगे, एक तरफ सोया भी नहीं था, कभी देखा होगा ऐसा लुढ़कते हुए, नहीं देखा होगा, आनंद अनुगमा समाधि, हाँ खर्राटा सो गया, वो लय अवस्था में चला गया, पहले बताया था लय विक्षेप कसाय और रसास्वादन, तो वो अगर खर्राटे आ गए तो लय में चला गया, बिल्कुल होश में है, हाँ लय में नहीं, हाँ और फिर भी बिल्कुल मन शांत हो गए, आनंद भीतर अपना सुख, आनंद अनुगमात संप्रज्ञास, इस अवस्था में अनेक आनंद अनुगमात जो स्थिति है इसमें अनेक महापुरुष अपना गंगा जी किनारे बैठे हैं, घंटे घंटे भर बैठे हैं, क्या सोचना, अन्न क्षेत्र से भोजन ले आए बैठे हुए, ये फिलहाल हमारी अपनी अनुभूति के साथ में कह सकता हूँ। सुकरताल में हम एक राम रसोई चलती थी, पहले राम रसोई चलती थी, तो हम और विवेकानंद ये दोनों वहाँ बहुत रहे, 1.5-2 साल रहे ना, एक धर्मशाला में रहे, सामान था नहीं कुछ, एक झोला था, कमरा था नहीं, वहाँ कमरा नहीं था, तो जो वहाँ पुजारी का कमरा था उसी में हमारा झोला रखा हुआ था, अपना बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, अब तो काट ओढ़ दिया पेड़ों, उसी के नीचे चटाई बिछाना और सो जाना बढ़िया जो है चटाई पर, भगवान जाने मच्छर भी लगते थे कि नहीं लगते थे, अब ध्यान भी नहीं है, कमंडल लेना, सवेरे 5 बजे चाय की घंटी बजती थी, चाय लेकर के फिर 4 बजे चाय पीने वहाँ जाते थे, चाय पी के आए उसके, हाँ राम रसोई में 1.5 साल हम पिए हैं राम रसोई में, तो चाय पी करके 5 बजे फिर अपना नहाए गंगा जी गए बैठे, क्या करना, कोई काम ही नहीं गंगा, हाँ वो प्रबुद्धानंद दंडी आश्रम में रहते थे, फिर राम रसोई में भोजन 11 बजे घंटी लगी, आके कमंडल में भोजन ले लेते थे, कमंडल में सब डलवा लेते थे, दाल चावल रोटी सब्जी सब उसी में, और गंगा जी के किनारे चले गए, चाहे 2 बजे चाहे 4 बजे कोई काम ही नहीं, हाँ
मोबाइल नहीं होता था तो बात नहीं करना, मोबाइल नहीं होता था, अखबार मिलता नहीं था पढ़ने को, कभी अखबार पढ़ना होता था तो हनुमत धाम में चले गए, दो चार मिनट पढ़ लिया बस, अखबार पढ़ना नहीं, मोबाइल था नहीं, टीवी था नहीं, किसी के साथ विचारों का मेल नहीं खाता था, वहाँ जो लोग रहते हैं तो वहाँ केवट ओवट लोग इस टाइप पे लोग रहते, गप मारने का भी नहीं, जो महात्मा लोग थे वो हमको समझते थे पागल है, हम समझते थे ये वैसे फंसा पड़ा है ना उनका हमसे कोई लेना देना, ना हमारा उनसे, किसके साथ, तो काहे में है उस अवस्था में आनंद अनुगमात संप्रज्ञा समाधि, अपने आनंद आनंद अनुगमात बस अपनी महिमा में बैठे। चौथा अपने आप समझो, अब आनंद का भोग भी नहीं, इस तीसरे वाले में सुख का भोग है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई हमको हिलावे डुलावे ना, कोई हमको विक्षेप ना पैदा करे, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सहज भाव अस्मिता अनुगमासम, अस्मिता बस हूं, मेरी सत्ता है, हाँ सुख काहे का, मैं हूं ना, मैं मर थोड़े गया हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, अपनी अस्मिता मात्र में जो स्थित हो गया वो भी एक समाधि है। ये चार प्रकार की समाधि हो गई, ये चारों प्रकार की समाधि का नाम दिया संप्रज्ञात समाधि। हाँ, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। अब अगला जो सूत्र है असंप्रज्ञात समाधि का है, इससे जो है आगे की चीज, अब देखो आज जब इस भूमिका पर कोई स्थिर हो जाता है, अभी इसका वर्णन आगे आएगा, अभी इसका वर्णन और भी आगे आएंगे, तो फिर विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। देखो ये जो 17वां सूत्र था ना संप्रज्ञात समाधि में, इसमें हम थोड़ा वृत्ति को ठीक ठाक बनाना चाहते थे, संप्रज्ञात समाधि में प्रयास करते थे कि अब हम वितर्क अनुगमा समाधि में प्रवेश करें, या विचार करते हुए समाधि में प्रवेश करें, या आनंद के साथ, वहाँ पर थोड़ा प्रयास था, हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, अब वो प्रयास भी समाप्त हो गया, इसीलिए कहा विराम, विराम माने अब प्रयास भी नहीं रहा, किसका, वृत्तियों को रोकने का, ये पहले था, विराम प्रत्यय, विराम कर दिया किसका, अभ्यास पूर्व, जिसका पहले अभ्यास हम करते थे, तो पूर्व में पहले जिस विचारों को ठीक करने का हम अभ्यास करते थे उस पर हमने विराम लगा दिया, वो भी नहीं रहा। जैसे क्या कहोगे, पहले आप, अब देखो दृष्टांत वही ले आओ, पहले आप बत्ती बुझाए, एक गिलास पानी रख दिया चारपाई के बगल में, यही ना, चश्मा उश्मा उतार के बगल में रख दिया, लेट गए, अब क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, सोने जा रहा हूँ, सोना है जी, बहुत जगली, सोना है, अब लेट गए, फिर आँख बंद करके, नींद ही नहीं आ रही, सो जाऊँ, तो जब तक कोशिश कर रहे हो सो जाऊँ, तब तक क्या कर रहे हो, अभी प्रयास कर रहे हो ना, अभ्यास कर रहे हो ना, नींद आ जा, सो जाऊँ, तो ये अभ्यास कर रहे हो, एक समय पर ये विराम को ले लिया, ये आपका सोचना भी शांत हो गया कि अब सो जाऊँ, हाँ जब ये भी आपने सोचना समाप्त कर दिया, अचानक अब यहाँ प्रयास नहीं रहा, तो अचानक आप ये सोचने से आप सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर, जब तक सोच रहे हो तब तक सोए नहीं हो, सोने की तैयारी कर रहे थे, जब आप ये सोचना रुक गया, अपने आप रुक गया, तो आप सुषुप्ति में प्रवेश कर गए, अपने प्रयास से सोचना कोई रोक नहीं पाता, हाँ लेट करके देख लेना प्रैक्टिकल, हाँ तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व,
अब क्या जो पूर्व में अभ्यास करता था उस अभ्यास प्रत्यय का भी पूरी तरह से हो गया विराम, अब कोई प्रयास भी नहीं करता और उस अवस्था में पहुंच गए। नींद नहीं है, हाँ नींद नहीं है, होश में है, होश में है, कोई अब प्रयास नहीं कर रहा है, पूरी तरह से चैतन्य जगा हुआ है। अगर होश में न रहे तो नींद आ गई, वो नींद है, लय अवस्था है। हाँ नींद भी नहीं है, प्रयास भी नहीं है, और कुछ संस्कारों का शेष रहता है। उस समय जो चित्त की भूमिका है वहाँ पर संस्कार लेस है, वहाँ पर है, पूरी तरह से संस्कार मिट नहीं जाता, इसलिए इसका नाम हुआ असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ कुछ होश नहीं, संप्रज्ञात में जहाँ पर प्रज्ञा जगी हुई है, यहाँ पर असंप्रज्ञात, कोई विषय का अनुभव नहीं, आनंद का भी अनुभव नहीं, यहाँ कोई विचार भी नहीं है, यहाँ अहम प्रत्यय मैं हूँ इसका भी नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, और फिर संस्कार सुरक्षित है। क्योंकि अगर देखो किसी भी स्थिति का अगर कोई बताने वाला ना हो तो वह स्थिति कपोल कल्पित मानी जाएगी। किसी भी लोक परलोक या अनुभव आदि की स्थिति को कोई हमको उपदेश करने वाला ना हो तो वह एक कपोल कल्पित माना जाएगा। समझना, कोई ना बतावे और आपने कह दिया कि हाँ एक ऐसा पेड़ है आसमान में, एक ऐसा पेड़ है, हाँ किसने देखा, एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे बैठते सब मनोकामना पूरी हो जाती है, देखा किसने, किसका अनुभव है, हाँ किसी का नहीं। तो आपका जो है शास्त्रीय कल्पना है, शास्त्रीय अवधारणा है, शास्त्रीय अवधारणा है, शास्त्रीय कल्पना है, वास्तव में वो कपोल कल्पित होगा। एक ऐसी मड़ी है, हाँ एक ऐसी मड़ी है, बताओ वो मड़ी क्या है, बोले अरे महाराज वो मड़ी को प्राप्त करते ही सारी चिंता दूर हो जाती है, इसीलिए नाम पड़ा उसका चिंता मड़ी। हाँ कहाँ है, किसने देखा, हमारे गुरुजी ने तो देखा नहीं, उनके गुरुजी भी नहीं देखे थे, तो क्या हुआ, बोले ऐसा कोई अवस्था जिसको कोई बता ना सके अनुभव करके, वो कपोल कल्पित होगी अनुभव करके। और जब कभी कोई बताएगा तो अंतःकरण के द्वारा ही बताएगा। ये बहुत बड़ी एक समस्या है महापुरुषों के लिए। हाँ कोई महापुरुष ध्यान करते समय स्वरूप में पहुंच गए, अब इस पर विचार किया जाएगा कि एक बार जब अविद्या का नाश हो गया, अपने स्वरूप में पहुंच गए, तब तो ये सारा जगत कल्पित है तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, सारा जगत तो कल्पित है, एक सबकी आत्मा एक है, आत्मा एक है बार बार कहते, तो वेदांत पे तो इस पर खूब प्रश्न किया, सब आपने कहा आत्मा एक है, उसके अलावा सारा जगत अध्यास है कल्पित है, तो एक ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तो सारा जगत नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल्पित है, क्योंकि कल्पित है, और सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। हाँ वो तो मुक्त हो गया, फिर उपदेश देने कौन आएगा, कौन उपदेश देगा, किसको देगा, बोले नहीं जब कभी उपदेश करना होगा तो अंतःकरण के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो जैसे समझिए कोई महात्मा है, अब सरल भाव में समझ, महात्मा है जंगल में, वो ध्यान कर रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि भी हो गई, असंप्रज्ञात समाधि भी चले गए बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने आँख खोला, जब आँख खोला तब उन्होंने देखा तो ना कि ये हमारा शिष्य है। यही पतंजल मुनि ने जब आँख खोला होगा, पतंजल मुनि जब ध्यान में बैठे तो असंप्रज्ञात समाधि में है, जब आँख खोले होंगे तो देखा होगा कि पाणिनि ऋषि का लिखा हुआ ये अष्टाध्यायी है, इस पर मैं भाष्य करूं। भाष्य जब करने चले तो किसके अनुसार, हाँ पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी पर, लेकिन कैसे, बोले कल जो अंतःकरण में संस्कार था ना वो ज्यों का त्यों है ना, हाँ उनको याद तो होगा ना कि महर्षि पाणिनि ऋषि जो है एक शब्द की व्याख्या कर रहे थे, जो विशेष रूप से सूंघने की सामर्थ्य वाला हो वह उसका नाम होता है व्याघ्र, है ना, याद है ना कहानी सुनाई, पतंजल मुनि को याद तो हो गए, कैसे याद है वो, कैसे, बोले वो संस्कार से शह, वहाँ संस्कार है लेकिन उसको अब समझ लो भुना हुआ बीज जैसा, वो अब सुख दुख देने में सामर्थ्य
नहीं रखता, चने का भुना हुआ बीज जैसा ज्यों का त्यों, लेकिन संस्कार होता है। असंप्रज्ञा समाधि का बिल्कुल यहाँ पर कहा, कोई अब साधन नहीं है, आप कह लो साधन निरपेक्ष स्वरूप की स्थिति, और संस्कार वहाँ पर अवशिष्ट है, संस्कार लेस है, इसलिए उसका नाम पड़ गया असंप्रज्ञात समाधि। दो दो समाधि का निरूपण हो गया, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। कोई बात ना समझ में आए तो बताओ। संप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी है, अनुभव है, प्रयास है। अब कोई ऐसा, अब देखो अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र पढ़ ही लेते हैं। भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भाव प्रत्यय, भाव प्रत्यय का मतलब होता है, देखो भाव प्रत्यय का सीधा सा अर्थ होता है कि भाव माने होना, भाव माने होना। धातु कौन सी होगी? हाँ, भू धातु, होने के अर्थ में ना, भावते भावता भावंती। हाँ, तो भाव प्रत्यय जो यह विचारों की उत्पत्ति है, अब फिर से होने की प्रवृत्ति है, अब वह नहीं रहेगी, अब वह नहीं रहेगी। किस अवस्था में? असंप्रज्ञात समाधि में। असंप्रज्ञात समाधि में अब पुनः विचारों का उठना या पुनः जन्म का लेना संभव नहीं रहा, वो भुना हुआ बीज जैसे। संस्कार है, यहाँ पर जो प्रसंग है, जो संगति लगाओगे, पहले कहा ना संस्कार शेष अन्य, संस्कार का लेश है, संस्कार शेष है, तो संस्कार शेष होगा तो फिर भाव फिर से लावेगा, तो कहते नहीं, भाव प्रत्यय यहाँ पर पुनः उत्पन्नी करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, भुना हुआ बीज जैसा होगा। या तो यहाँ पर किसी ने साधन के द्वारा किया, साधन के द्वारा किया, साधन कौन सा था उसके लिए? वितर्क विचार आनंद अस्मिता, साधन से किया। अब एक स्थिति ऐसी है जिसमें कोई साधन नहीं है, बिल्कुल साधन नहीं, स्वरूप में है, ये भाव प्रत्यय का भाव होगा, जहाँ पर साधन निरपेक्ष अवस्था है, जिसमें कोई अपना उस सुख दुख और पुनर्जन्म की उत्पत्ति का हेतु नहीं, ना तो कोई साधन की अपेक्षा है। अब साधन निरपेक्ष अवस्था है, कोई साधन की अवस्था नहीं, इसलिए भाव प्रत्यय, भाव पुनः फिर से होना नहीं है। एक विचार किया कि देखो दो तरह के महापुरुष लोग होते हैं, एक का नाम होता है कृत उपासक, एक का नाम होता है अकृत उपासक। कोई ऐसे एक महापुरुष हैं यहाँ पर इस जगत में जो साधना कर रहे थे, साधना करते करते उन्होंने विचार विमर्श किया, श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन किया, तो उनकी देहाशक्ति छूट गई, देहाशक्ति छूट गई, ये अनुभव कर लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्री नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, ये तो पूरा का पूरा इसका निषेध कर लिया, लेकिन स्वरूप का पूरी तरह से अभी स्वरूप निष्ठा नहीं हुई, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म निष्ठा, या कह सकते हो श्रोत्री हो गए, श्रोत्री हो गए, लेकिन ब्रह्म निष्ठा पूरी तरह से नहीं हुई, तो उनको क्या कहा? विदेह, विदेह मतलब ज्ञानी हो गए, परोक्ष ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, तो ऐसे लोग विदेह अवस्था में थे। अब शरीर के साथ उनका कोई ज़्यादा ध्यान, यहाँ विदेह मतलब विदेह मुक्ति मत लेना, अपना वेदांत में जो विदेह मुक्ति है उससे मत लेना, उसका अर्थ लोगे तो फिर यहाँ योग दर्शन में है, तो विदेह मतलब देह की स्थिति से ऊपर उठ गए, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की स्थिति से ऊपर उठ गए, इससे ऊपर उठ गए, लेकिन अभी पूरी तरह से स्वरूप निष्ठा प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। एक और दूसरे ऐसे थे, दूसरे ऐसे थे प्रकृति लयानाम,
जो चिंतन करते 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 और ये जो विचार कर लिया कि हाँ पृथ्वी नाम की तो कोई चीज नहीं है, पृथ्वी का मूल कारण जल है, जल है हाँ, जल का मूल कारण है तेज। अब विचार करते गए, ये हमारा सांख्य और योग दर्शन का मूल विषय है, यहाँ कहाँ से विचार करते रहे, नाम रूप का मूल पृथ्वी, पृथ्वी का मूल जल, जल का मूल आपका अग्नि, हाँ अग्नि का मूल वायु, उसका मूल आकाश, आकाश का मूल फिर महातत्व, महातत्व से फिर प्रधान, प्रधान प्रकृति, वहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ, प्रधान प्रधान प्रकृति, मूल प्रकृति, तो वहीं से सारा कुछ पैदा हुआ। और विचार करते करते अब उल्टी प्रक्रिया से विचार करते गए, ये उसमें ये उसमें ये उसमें, और प्रकृति तक पहुँचे और उनके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया। तो ये दो तरह के महापुरुष, एक वो जो शरीर आदि से अनासक्त हो गए थे लेकिन स्वरूप निष्ठा नहीं हुई थी, विदेह भाव में थे, देह से ममता नहीं थी लेकिन स्वरूप निष्ठा नहीं हुई थी वो, और दूसरे वो जो ये लय प्रक्रिया से चिंतन करते गए लेकिन प्रधान तक पहुंचे और शरीर का आयु पूरा हो गया और शरीर छूट गया। अब गीता जी को ले आओ, योग भ्रष्ट वाला हाँ, तो विदेह प्रकृति लया नाम, तो विदेह अवस्था में पहुँचे हुए और जो प्रकृति लय की अवस्था में पहुँचे थे, ये दोनों अब इनका दोनों का पुनर्भव प्रत्यय नहीं होगा, इनका फिर से पुनर्भव प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इनका जन्म होगा तो बिना किसी साधन के इनको वह असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। हाँ, ये इनका भाव प्रत्यय मतलब यहाँ पर वो चीज हो जाएगा, ये भाव प्रत्यय का अनेक अर्थ है यहाँ पे, भाव प्रत्यय माने वह अवस्था कौन सी, असंप्रज्ञात समाधि की, वह अपने आप हो जाएगी, उनको कोई साधन करना नहीं। अब यहाँ पर ला सकते हो रमण महर्षि जैसे महापुरुषों का, उन्होंने कहीं जा कर के वेदांत का श्रवण वगैरह किया हो, ये वर्णन नहीं आता, ये कहीं पर वर्णन नहीं है। तो वो सब भाव प्रत्यय यानी स्वतः उनको हो जाएगा, अपने आप उनको हो जाएगा असंप्रज्ञात समाधि, और जहाँ पर साधना छूटी थी पूर्व जन्म में, यहाँ पर शुरू हो गई और अपने आप वह मुक्त हो जाएंगे। तो भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, जो साधना में वहाँ पर ऐसे थे और उस अवस्था तक पहुँचे थे, शरीर आदि से आसक्ति खत्म हो गई थी, वैराग्य प्राप्त कर लिया था, शरीर छूट गया, वो रितंभरा प्रज्ञा नहीं हुई, विवेक ख्याति नहीं हुई, या दूसरे जो प्रधान तक पहुँचे थे और शरीर छूट गया, ऐसे लोगों को फिर यहाँ असंप्रज्ञात समाधि स्वतः हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा, उनको फिर दोबारा कोई फिर से साधना वही फिर से वितर्कानुगत विचारानुगत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भाव प्रत्यय, अब आप ध्यान देना, ये इस पात का नाम है समाधिपात, ये साधन नहीं है, साधन पात तो अगला वाला होगा, साधना क्या क्या करना है, पहला पात जिसका नाम है समाधि, तो पूरा उस स्थिति का निरूपण करेंगे, इसके सारा सूक्ष्म विवेचन आप लोग चिंतन करो बस। अब अगला जो सूत्र है वो कहते हैं अकृत उपासक जो था, हाँ अब उस असंप्रज्ञात समाधि में जाना है तो वो साधन के द्वारा भी कैसे कोई जा सकता है, वो आगे बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।